अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर हमने शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करनी है, द प्रिजन बाय बर्नार्ड मैलामड। अब इस जो वीडियो है इसके अंदर हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, इस शॉर्ट स्टोरी की समरी देखेंगे, करेक्टर देखेंगे, थीम्स देखेंगे और पास्ट पेपर के जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेंगे। ठीक है, तो लिहाजा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। पहले मैं करेक्टर्स आपको बता दूँ कौन कौन से हैं। तीन करेक्टर्स हैं, एक तो है रोज़ा, एक है टॉमी कैस्टली। ये जो टॉमी कैस्टली है, ये रोज़ा इसकी वाइफ थी। ठीक है, ये 20 ईयर्स ओल्ड एक लड़का है और लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची की बात हुई हुई है। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी, डिटेल में आपने पढ़ना होगा, बाद में नोट्स के अंदर इसके अंदर पढ़ लीजिएगा। टॉमी जो है वो 20 साल का एक लड़का है जिसको अपनी ज़िंदगी एक जेल की तरह रखती है। पहले जब वो छोटा था तो एक स्कूल के अंदर जाता था तो एक गलत सोबत के अंदर बैठना शुरू हो गया ना, तो वहाँ से वो गलत काम करना शुरू हो गया। जैसे बाजू का एक दफ़ा तो वो फंसने भी लगा था, हो सकता है कि उसको पुलिस पकड़ के ले जाती, लेकिन हुआ ये कि जिस उसके बाप जिधर काम करते थे उसने उन्हें जो है वो बचा लिया किसी तरह से। लेकिन टॉमी कैस्टली जो था, अब इस सिचुएशन से तो जब निकला ही निकला तो दूसरी सिचुएशन उसके बरक्स फिर से हो जाती है। उसकी शादी एक ऐसी औरत से कर देती की जाती है जिसको वो पसंद नहीं करता। पहले जब शादी की बात शुरू होती है तो वो वहाँ से भाग जाता है अपने गांव से, लेकिन दोबारा से जब वापस आता है तो दोबारा वही बातें शुरू हो जाती हैं और फिर किसी ना किसी तरह से उसकी जो है वो शादी रोज़ा से कर दी जाती है। अब रोज़ा के जो वाली साहिब थे उन्होंने ये वादा किया था कि वो टॉमी को एक दुकान खोल के देंगे ताकि वो वहाँ पर काम कर सके। तो उसी तरह उसने उसे शादी के बाद दुकान खोल के दी। ठीक है, तो वहाँ पर वो काम करता होता था। अब काम करता है वो, तो जब वो देखती है उसकी बीवी के उसने एक मशीन रखी हुई है जिससे वो अभी भी चीज़ें चुराता है जिसके थ्रू, तो वो चीखती चिल्लाती है। इतने में उसका जो है वो रोज़ा का वाली साहेब आते हैं और वो उस मशीन को तोड़ देते हैं। तो दोबारा से जो है वो टॉमी वहीं पर बैठ जाता है, अपनी ज़िंदगी से नफरत करता है, वो अपनी शादी से में ट्रैप हो गया हुआ है और वो मतलब उसको अपनी लाइफ एक जेल की तरह लगती है और वो इससे जितनी जल्दी जान छुड़ाना चाहता है। ठीक है, एक दिन वो देखता है कि टॉमी अपने ना काम कर रहा होता है तो एक लड़की जो है आती है, छोटी बच्ची, वो जब आती है तो वो वहाँ से चॉकलेट चुरा के ले जाती है। तो जैसे ही वो ये चीज़ देखता है तो उसे ना अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि पहले ये होता है कि वो बच्ची आती है तो वो टिश्यू उसे लेने के लिए उसे पैसे देती है। जैसे ही वो वहाँ पे रोल लेने, टिश्यू रोल लेने के लिए जाता है तो जब वापस आता है तो वो ना वहाँ से तब तक बच्ची ने कैंडीज चुरा ली होती हैं। ये कहाँ से देखता है वो, एक उसने उसकी बीवी ने दुकान के अंदर एक शीशा लगाया होता है जिसके थ्रू वो देखती है कि ये क्या क्या करता है, तो वहाँ से वो अपने शोहर के ऊपर नज़र रखती है। तो उस शीशे के थ्रू जब वो देखता है तो वो बच्ची उसकी कैंडीज चुरा रही होती है। जब वो ये चीज़ देखता है उसे अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह से मैं भी चीज़ें जो है वो चुराने लगता है। इसी साथ ही उसको दुख भी होता है कि वो ना अपनी इतनी छोटी सी उम्र में इतने गलत काम पे लग गई है, तो वो चाहता है किसी तरह से कि वो इस बच्ची को रोके और उस बच्ची को समझाए कि वो जो कर रही है वो गलत है। लिहाजा वो सोचता है कि अगले दिन जब बच्ची आएगी तो फिर वो उसको समझाएगा। अगले दिन आता है तो फिर यही सिचुएशन होती है, बच्ची दोबारा से चॉकलेट्स, वो फिर से कोशिश करती है करता है लेकिन वो बोल नहीं सकता, उसे हिम्मत नहीं होती, वो हेजिटेट करता है कि वो किस तरह से इसको जो है वो बोलेगा। तो दोबारा से क्या होता है, तीसरे दिन जब वो बच्ची वही हरकत करती है तो उसकी बीवी जो है उस बच्ची को पकड़ लेती है और वो नीचे उसे हिला रही होती है जोर जोर से, कंधे से पकड़ के ना कि आप कि तुमने चोरी की है। ठीक है, और उतनी देर में होता यह है कि वो आता है, टॉमी ऊपर से आता है तो वो कहता है, उसकी बच्ची की माँ भी आ जाती है, तो टॉमी कहता है कि नहीं, इस बच्ची को चॉकलेट्स मैंने दी हैं, इसने कोई चोरी नहीं की है, तो उसको जाने दो। वो बच्ची इस तरह से माँ अपनी बच्ची को लेके चली जाती है, बच्ची थोड़ी सी आगे जाती है तो पीछे टॉमी की तरफ देख के हंसती है और उसे जुबान दिखाती है और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये आपकी स्टोरी थी और थीम्स अभी हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। थीम सबसे पहले है कंट्रोल। देखो किस तरह से उसकी बीवी चाहती है कि वो उसको कंट्रोल करे, उसकी सोच को कंट्रोल करे, वो क्या करना चाहता है, वो क्या नहीं करना चाहता। पहले तो उसको कंट्रोल किया गया कि वो
उसकी मर्जी से उसके घर वालों ने कंट्रोल किया कि वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता, हमारे घर वालों की मर्जी से शादी करे, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं थी। दूसरी तीसरा जो है वो हेजिटेशन है, जिसमें वो उसने ये चीज़ देखी कि वो बच्ची को समझाना चाहता था लेकिन वो हेजिटेट हो रहा था और वो बच्ची को समझा नहीं पा रहा था। ये इसके थीम्स थे। अभी पास्ट पेपर के ये क्वेश्चंस है, जब आप नोट्स डाउनलोड करेंगे तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। हर तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश करें, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। नोट्स का जो पासवर्ड है वो आपके पास 2, 1 और 4 है, ठीक है? ये पासवर्ड आप लगाएंगे तो आपके सामने नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप नोट्स को रीड आउट कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, आप ज़्यादा पके नहीं हैं और आपको स्टोरी की भी समझ आ गई है। लिहाजा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।